हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 2 का रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिक पार्ट 3 बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको पराकर की संरचना के बारे में बताया था, आज मैं आपको जैन के बारे में बताऊंगी। अब देखिए, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, जिसको हम जैन बोलते हैं, स्टिग्मा स्त्री केसर भी बोलते हैं। अब देखिए, जैन जो है वो कितने भाग में विभाजित है, 3 भाग में है। पहला क्या है, वर्तिकांग आपका, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। सेकेंड है वर्तिका स्टाइल। थर्ड है आपका अंडाशय ओवरी। जैन के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, वर्तिकांग, वर्तिका, अंडाशय। ये आपको लर्न कर लेना, क्वेश्चन भी आता है। अब इसके अंदर क्या बनते हैं, बीजांड बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, बीजांड, जिसको हम ओव्यूल बोलते हैं। बीजाणु, अब बीजाणु जो होते हैं, बीजाणु के अंदर क्या होती है, मादा कोशिका प्रेजेंट होती है। बीजाणु के अंदर क्या होती है, मादा कोशिका प्रेजेंट होती है, जो क्या करती है, न्यू डॉटर सेल्स बनाने का वर्क करती है। न्यू जो छोटे फ्लावर्स हैं, जो जनरेट हो रहे हैं, उनको बनाने का काम कौन करती है, मादा कोशिका करती है। बीजाणु जो है 2 आवरण से घिरा होता है। ये आप देख रहे हैं, पहला आवरण अंतरा आवरण, जो अंदर की तरफ है, और जो बाहरी आवरण है वो क्या है, आउटर इंटेगमेंट है, इसको बाहरी आवरण बोलते हैं। ये 2 आवरणों से घिरा हुआ होता है। क्वेश्चन आता है, बीजाणु कितने आवरण से घिरा होता है, 2 आवरणों से ये बीजाणु घिरा हुआ होता है। अब देखिए, बीजाणु दौर के अंदर ही क्या होता है, पराग नलिका इसमें प्रवेश करती है। अब जो बीजाणु दौर के अंदर ही क्या है, जब पराग नलिका है वो क्या करती है, नीचे से यहाँ से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। यहाँ से आके पराग नलिका आके अंदर की तरफ, नीचे से, जो ये नीचे खुला वाला छिद्र वाला हिस्सा है, यहाँ से क्या है, प्रवेश कर जाती है। प्रवेश करने के बाद वहाँ क्या करती है, उसके बाद अंदर वो प्रवेश कर जाती है। और जो बीजाणु दौर जो है, उसकी संरचना है, वो कहाँ, किससे अटैच्ड है, बीजाणु वंश से, फिनिकल से अटैच्ड है। ये देखिए, यहाँ से जो है, ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से इससे जुड़ा हुआ है, बीजाणु दौर से क्या है, जुड़ा हुआ, अटैच्ड है। अब अंडाशय में जो बीजाणु है वो फिनिकल के द्वारा तो अटैच्ड है, जो अंडाशय के अंदर, जो ये अंडाशय है, इसके अंदर जो बीजाणु है वो किसके द्वारा अटैच्ड है, फिनिकल के द्वारा, बीजाणु वंश के द्वारा। एक क्वेश्चन तो ये लर्न हो गया आपको। अब देखिए, बीजाणु का जो पूरा भाग होता है वो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है। बीजाणु का जो पूरा भाग होता है वो किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और भ्रूण कोष में होता है, एम्ब्रियो सैक में होता है। अब देखिए, जो भ्रूण कोष के अंदर 3 कोशिकाएं, भ्रूण, ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर देखिए 3 कोशिकाएं, ये 3 कोशिकाएं हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिमुख या एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं ये। और नीचे जो है ये सहायक कोशिका, जिनको हम बोलते हैं, और जो बीच वाली है द्वितीयक पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम बोलते हैं। ये क्या करती है, अब क्वेश्चन आता है कि भ्रूण कोष के अंदर 3 कोशिकाएं, 3 बीजाणु और 2 कोशिकाएं मध्य में बनती है। कहाँ कहाँ बनती है, 3 कोशिकाएं अंदर की तरफ होती हैं, और 3 बीजाणु में, 2 कोशिकाएं जो है बीच में होती है, कुछ इस तरह से होती है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इनमें जो पोलन ग्रेन्स है प्रवेश करते हैं नीचे से ऊपर से आके, और फिर उसके ही अकॉर्डिंग क्या होता है, नर पार्ट और मादा भाग दोनों आपस में मिलके एक न्यू फ्लावर की क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, वो नया पौधा, नया फूल बनाते हैं, वो आपस में संलयन करके, आपस में रिप्रोडक्शन करके एक नया पौधे को जनरेट करते हैं। अब आगे देखिए, अब देखिए, गुरु बीजाणु जनन, जिसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, अब जो ये आपके जो विभाजित हुए हैं, जो कोशिका है विभाजित हुई है, अब इसमें क्या है, विभाजन हो गया। अभी देखिए, ये है माइक्रो, अब ये क्वेश्चन आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये याद रखना। माइक्रो मीन्स होता है लघु, मतलब नरयुग्मक, जहाँ माइक्रो की बात आएगी, और मेगा मीन्स याद रखना आप, गुरु मतलब मादा युग्मक की बात हो रही है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मादा युग्मक की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कुछ इस तरह से इसमें क्या हुआ, कि जो अब इन्होंने ये 2 हैं बीजाणुकार जो हैं,
जो कोशिका विभाजित हो जाते हैं, क्या होते हैं, कोशिका विभाजित होते हैं, ये दो कोशिका बनाते हैं। इन्होंने क्या है, दो कोशिका ये बनाई है अंदर। बीजांडकार के अंदर अर्धस्त्रीय कोशिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ठीक है, अर्धस्त्री कोशिका क्या होती है, प्रेजेंट होती है। ये दो हैं, अब ये दो विभाजित होकर क्या बनाते हैं, ये कुछ इस तरह से, इधर देखिए दूसरे वाले डायग्राम में देखिएगा, ये कुछ इस तरह से चार बना लेते हैं। इनमें क्या होता है, अर्धसूत्र विभाजन होता है, और फिर ये क्या बनाते हैं, दो से चार बना लेते हैं। दो से कितने, चार बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गुरु बीजाणु, अग्रित गुरु बीजाणु, मेगा स्पोर्म। अब इसमें क्या होता है, ये बनाने के बाद, उसके बाद ये फिर विभाजित होते हैं, इनमें इनमें फिर विभाजन होता है। विभाजन तभी होता है, एक तो ये तीन जो हैं नष्ट हो जाते हैं, एक दो तीन, ये क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बचता क्या है इसमें, एक। तीनों अपना काम करके क्या होते हैं, ये नष्ट हो जाते हैं मात कोशिका इसमें। अब जनन जो कोशिका होती है उसको मात कोशिका भी या मदर सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें क्या हो रही, मदर की बात हो रही, मादा कोशिका की बात हो रही है। अब क्या है, तीन जो नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ इसमें एक काम करता है, ये वाला नीचे वाला एक काम करता है। एक काम करने के बाद वो क्या करता है, फिर से क्या करता है, अपना वर्क शुरू करने लगता है, प्रोसेस अपना स्टार्ट करता है। प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद फिर से वो क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। फिर से वो क्या कर रहा, समसूत्री विभाजन कर रहा। समसूत्री विभाजन के बाद वो किसने बने, दो बनाता है। फिर दो से एक से क्या बने, दो सेल्स बनाए उन्होंने अपने अलग अलग। अब इन दोनों ने क्या करा, फिर विभाजन करा, आपस में चार बना लिए। क्या करें इन लोगों ने, फिर से विभाजन करा। बीजाणु दौर ये दे रखा है आपको, याद रखना ये बीजाणु दौर है। अब इन दोनों ने आपस में विभाजन करा, और विभाजन करने के बाद इन्होंने क्या है, इसने अपने दो बना, इसने अपने दो, फिर क्या है, चार, फिर से चार कोशिका बन गई। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए ये चार जो हैं, पहले वाले में चार थे, अब चार क्या हुआ, फिर विभाजित हुए, चारों फिर विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन फिर हुआ। समसूत्री विभाजन के बाद फिर से क्या हुआ, वो लोगों ने फिर अपने चार से आठ बना लिए। कितने बना लिए, चार से आठ बनाए। इस तरह से इसमें क्या है, विभाजन होता चला गया। अब उसके बाद इसमें विभाजन हुआ, विभाजन के बाद अब इसमें कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हैं, आठ हैं। आठ के बाद एक दो तीन, तीन क्या है, ये एंटीपोडल सेल्स बन गए। फिर उन्होंने क्या करा, आपस में फिर विभाजन करा, और तीन उन्होंने ऊपर की तरफ एंटीपोडल सेल्स बना लिए, जिसे प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं। उसके बाद तीन जो हैं वो नीचे की तरफ क्या बनाते हैं, सहायक कोशिका बनाते हैं, जिसको हम सिमर बोलते हैं। उसके बाद ये एक जो बस्ता है अंदर, ये जो है वो द्वितीयक केंद्रक है, क्योंकि ये केंद्रक है। अब इसमें ये नहीं कि ये दो, ये इन्होंने भी दो बना लिए, दो नहीं बना, ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, क्या है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये क्या है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसको हम पैन बोलते हैं, फुल फॉर्म होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म की, पैन। अब ये क्या है, अंडकोशिका है, जिसको हम मादा युग्मक बोलते हैं, एक्स सेल होते हैं। यहाँ से ही क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स ऊपर की तरफ जाते हैं। उसके बाद इसमें जो क्या होता है, एम्ब्रॉयज होता है, भ्रूण एम्ब्रॉयज जो ये अंदर दे रखा है, ये क्या है, दो डिप्लॉयड बनाता है, मतलब मादा भी और नर भी, दोनों मिलके क्या होते हैं, एक नर युग्मक तैयार करते हैं, ये कुछ इस तरह से। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं, ये आपको इतना रिटर्न वर्क देखिए। बीजांडकार के भीतर गुरु बीजाणु को विकास होता है, का विकास होता है, इसलिए हम इसको गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगा स्पोर मदर सेल्स में, गुरु बीजाणु जो होता है, जो मातृ कोशिका है, मेगा स्पोर मदर सेल है, उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस, जिसको मियोसिस डिवीजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चार जो अग्रित हैप्लॉयड हैं वो क्या करते हैं, गुरु बीजाणु बनाते हैं, मेगा स्पोर बनाते हैं, और बनाने के बाद उसी को हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच। आगे की पीडीएफ आपको, पूरा फुल चैप्टर का पीडीएफ लास्ट वीडियो में मिल जाएगा आपको। थैंक यू।